हर टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा वाई जैक्सन के पास से जो पहाड़ी है वहां से एरोली जाने के लिए पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाया जा रहा है और इसका काम भी काफी दिनों से चालू है। आज कलवा मुंब्रा के विधायक एवं गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवहट ने यहां का दौरा किया और कामों का जायजा लिया है। मंत्री जितेंद्र अवहट ने बताया कि ये रास्ता बन जाने के बाद मुंबई और नवी मुंबई जाने के लिए यहां के लोगों को काफ़ी कम समय लगेगा। काफ़ी कम समय में मुंब्रा से, वाई जैक्सन से, शीलफाटा से यहाँ के लोग जो है मुंबई, नवी मुंबई की तरफ काफ़ी कम समय में पहुँच सकेंगे। इस रास्ते का काम भी शुरू किया गया है और आज दौरे के दौरान गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवहट ने क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। काम शुरू में हमेशा आते जाते रहता हूँ, आज पत्रकारों को लेके आया हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि 2014 में जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर था तब ये प्रोजेक्ट हमने मंजूर करके मुंब्रा वासियों के को एक सुविधा देने के कारण ये प्रोजेक्ट बना है। यहाँ से आप सीधे 5 मिनट में ऐरोली चले जाओगे और उधर से मुंबई का रास्ता क्लियर हो जाएगा। नवी मुंबई भी जाना है तो कहीं और से नहीं जाना पड़ेगा, उधर से आओ, उधर तक जाओ, उधर से लेफ्ट मारो तो नवी मुंबई पहुँच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो रास्ता है वो मुंब्रा के लोगों के लिए बहुत ही सहूलियत देने वाला रास्ता है। कितने सालों में इसके प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की उम्मीद है सर? और एक आधा साल, 6-8 महीने तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आप देखिए ये जो पहाड़ है वो पत्थर का पहाड़ है, वो पत्थर काटना पड़ता है और पत्थर का पहाड़ होने के कारण उसको काट करके खाई है, उसको भर के फिर आपको टनल बनाया है, वहाँ जाना पड़ेगा। ये मुंब्रा के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है, मुंब्रा के यातायात के लिए, कम्यूटिंग के लिए, ये बहुत कल्याण डोंबिवली सभी लोगों के लिए, खास करके मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मेरे लोग हैं, शीलफाटा से लेके कौसा तक। मुंब्रा वाले तो समझ में आता है कि वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन यहाँ समझो अभी जो नई डेवलपमेंट है जी, ये है जैसे ये बिल्डिंग है, उनके लिए तो ऐरोली 5 मिनट का रास्ता हो गया, बहुत ही बड़ा काम हो रहा है। और तो ज़्यादा फर्क ये शीलफाटा कल्याण रोड पर पड़ेगा, वहाँ ट्रैफिक कम हो जाएगा। फ़र्क तो सभी को पड़ेगा, जो मुंबई जाना चाहते हैं, जो नवी मुंबई जाना चाहते हैं, उनके लिए तो सभी के लिए ये 5 मिनट का रास्ता होगा, 5 मिनट में पार हो जाओगे। ये बहुत बड़ा काम हुआ है और मुझे खुशी इस बात की है कि जब ये काम हमने क्लियर किया था, हमने उसको करने का सोच लिया था, उसको मंजूरी दी थी, तब मैं राज्य का कैबिनेट मिनिस्टर था, तो हमारे कैबिनेट में उसको मंजूरी दी है।